कैंपस टीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ ते पाओ हर अपडेट। हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमनदीप सिद्धू। जिमें कि हुण असीं देख रहे हैं, असीं हुण एक मुसीबत की घड़ी विचों लंघ रहे हैं। COVID-19 वायरस के आने करके स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, ईवन बाजार सब कुछ बंद पे है, जिदे करके साडे जिहड़े सिखण सिखाउण की प्रक्रिया ते इक अध्यापकां दे सिखाउण दी ते बच्चों के सिखण की प्रक्रिया जिहड़ी इह काफ़ी प्रभावित हुई है। जिवें कि असीं क्लास दे विच बच्चों नूं पढ़ाउंदे सी, अध्यापक पढ़ाउंदे सीगे, उह प्रक्रिया 'च हुण फर्क आ रहा है। एक जिहड़ी पढ़न पढ़ाउण की प्रक्रिया एक नवां मोड़ लै रही है, ते जिहनूं मैं ऑनलाइन स्टडी कहूँगा। ये ऑनलाइन स्टडी नूं लै के असीं अज चर्चा करना चाहते हैं। ये चर्चा दे विच साडे नाल संजीव जी जुड़े, जो कि KV-1 दे विच एक लैक्चरर दे तौर पर, मैथ लैक्चरर दे तौर पर मतलब सेवा निभा रहे हैं। तो वो लगभग इन्हां औखे दिनां दे विच 1400 बच्चों नूं, जे कि भारत पूरे इंडिया तो जुड़े हुए है, उन्हां नाल मतलब उन्हां नूं सेवा जिहड़ी एक ऑनलाइन पढ़ाई दी एक फ्री सेवा कर रहे हैं। तो दूजे तो असीं यह कहना चाहूँगे कि साडे नाल सुखवीर सिंह जी जुड़े है, जिला सिक्ख्या अफसर सैकेंडरी बठिंडा जिले तो। ये साढ़े नाल गलबात विषय तो करे कि अपने जिले में यह सरकारी स्कूलों नू किवें देख रहे हैं। सब तो पहला सत श्री अकाल जी, धन्यवाद तुसादे नाल जुड़े। सुखवीर जी, तुहानू मैं पहला सवाल ना ये करदा कि पहला बच्चे आउंदे सीगे ते दाखला लैंदे सीगे, ठीक है, वो आपके कागज़ पत्र देंदे सीगे ते दाखल हो जांदे सीगे, ईवन आपां बच्चे प्रमोट करते, पर हुण इह प्रक्रिया नू तुसीं आपके जिले के विच किवें सिरे चढ़ा रहे हो? सब तो पहली गल तो यह आ, COVID-19 जो महामारी चल रही है, इन्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। सो इस तरह ही स्कूलों के भी दाखलों का, जो पहला असी स्कूल के बैठ के बच्चों का दाखला करते सी, हुण गूगल ड्राइव ते ऑनलाइन, जा कोई बच्चा अपना आधार कार्ड ते स्कूल का नाम सानू दसदा है, वो अध्यापक नूं फोन करदा है, तो असी उस बच्चे नूं घरे बैठे नूं ही फिच कर लैंदे आ, तो वह बच्चे का दाखला हो जाता है। सो जिन्हां बच्चों ने गूगल ड्राइव ते फार्म भर देंदे आ, वह बच्चों का भी असी दाखला वह फार्म के अनुसार कर देंगे। सो ये दाखले की विधि। चलो, ये बहुत वधिया प्रक्रिया, बच्चे नूं स्कूल दे विच आउण दी लोड़ नहीं। दूजा मैं सवाल ये करूँगा, ऑनलाइन स्टडी बारे असी गल करने आ, शुरू करते हैं। ऑनलाइन स्टडी का जिहड़ा कंसैप्ट है, सिंगला जी तुसीं दसो कि यह कदों का आया? अमन जी, साढ़े भारत लई तां शायद बिल्कुल नवां कंसैप्ट है, पर हिस्ट्री देखिए तो 1892 दे विच इंग्लैंड दीआं यूनिवर्सिटीज़ ने डिस्टेंस एजुकेशन शुरू की सी। वो पत्राचार की विधि चलती चलती भारत दे विच भी आई, ठीक है, तो वह बहुत चली। तुसी ऑनलाइन एजुकेशन नूं नवां कंसैप्ट ना मन्नो, वो डिस्टेंस एजुकेशन का ही सुधरिया होया रूप है टैक्नोलॉजी के नाल। जितों तक हिस्ट्री की गल है, 1997 तक कोई सोच भी नहीं सकता सी कि इस तरह का भी कोई मीडियम या प्लेटफॉर्म बनूगा। 1997 दे विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ ने ट्राई किया, तो 2005 दे विच आउंदे आउंदे ये सक्सैसफुली एग्जीक्यूट करता। हाँ, जे मैं करा भारत की गल, तो भारत दे विच ये पिछले 7 साल तो कॉन्सैप्ट चलिया, ठीक है, तो हुण जिवें सुखवीर जी ने दस्या कि कोविड की महामारी तो बाद नवा ही रूप लै गया, क्योंकि ये एक बड़ी खासियत है कि ये कदों भी किते भी ते किसे लई भी है, ठीक है। चलो सिंगला जी, बहुत वधिया तुसीं गल दसी भी, ये कोई नवी गल नहीं हैगी जी, ये पहला तो कंसैप्ट चलिया। तो एक तुसीं होर दसो सानू कि जिहड़ा इहदा मतलब माध्यम की हो सकदे आ? तुसीं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम हुण दे, आपां 5 साल पहलां दी गल करिए तां बड़े घट सी, पर जे हुण असीं देखिए ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ TV 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ
है नहीं है, ठीक है। 60% या 70% तक आप ला सकते हैं भी लोगों के कोल मोबाइल है, तो 40% जो बच्चे बचते आ असी दुआबा रेडियो साढ़े हम चार दिन हो टी वी चैनल से सरकारी प्रोग्राम जोड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट के आने शुरू हो गए आ। जोड़े बच्चों को मोबाइल नहीं है वैसे टी वी तकरीबन बहुत घर है, जिन्हों के घर नहीं भी है वह बच्चे लागे किसी होर घर बैठ के विद्या प्राप्त कर सकते हैं। सो ये साधन जोड़े मैं कहना भी सरकार वालों जोड़े दिए गए इस लॉकडाउन के दरम्यान बहुत ही सहाई लाभकारी, ठीक है। ये भी एक अमन जी मैं सुबीर जी की गल ऐड करना चाहना, गवर्नमेंट लैवल से बड़िया ये स्कीम चल रही हैं हूँ, जिम्मे तुम्हें देखा होगा भी सेंटर गवर्नमेंट ने 12 चैनल शुरू कर वादा किया, अच्छा जिहड़ा जल्दी ही एग्जीक्यूट हो जूगा, वो पहली तो लैके 12वीं तक इस सुखबीर जी के कंसर्न ही ध्यान दे विच रखते हुए कि जिन्हां बच्चों को मोबाइल नहीं जां वह मोबाइल नहीं वरत सकते तो उन्होंने लिए ही 12 एक्सकलूसिव चैनल पहली तो लैके 12वीं क्लास तक अड अड आ रहे हैं, तो मैं लगता बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा चलो बहुत वधिया गल है, बच्चों लिए खुशखबरी है कि नवे चैनल आ रहे हैं। एक संजीव जी तुहानू एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहुंदा कि जो ये टोटल इक्विपमेंट का पर मंथ का तुम सूँ खर्चा क्ढ के दसो कि कि खर्चा जोड़ा बनूगा जो बच्चे करना पैना है जो उन्हें ऑनलाइन स्टडी पर आना। एक सवाल जोड़ा मापिया के मन के हमेशा आता है वो इस बाबत ही आता है भी ये खर्चा की होगा। एक ये बड़ी सिंपल जी चीज़ आ जाती है भी जे थोड़े को एक घर के एंड्रॉयड या कोई समार्टफोन है तो समार्टफोन तो थोड़े को हो गया, पर जे असी स्मार्टफोन ते खर्चा देखिए तो जिमें 3 घंटे की स्टडी दे 3 GB के लगभग डाटा चल जाता है तो इहदा एवरेज जा खर्चा बिल्कुल 300 रुपया मेरे ख्याल नैट का खर्चा आता है। जे थोड़े को नैट कितों वाईफाई या कितों फ्री या किसी तुसी पेरेंट का यूज़ कर रहे हो तो एवरेज खर्चा मैं लगता 300 रुपया हैगा इसका, ठीक है। वो भी नैट का खर्चा होगा क्योंकि ऑनलाइन स्टडी तो ऑलमोस्ट सारे पोर्टल पर फ्री चल रही है। हाँ ठीक है सुखबीर जी, मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता, मान लो अपने सरकारी स्कूलों के तोड़े बच्चा 300 रुपया भी पर मंथ है जोड़ा वो दे नहीं सकता तो उसकी ऑप्शन तुम्हें वास्ते की ऑप्शन रखी हैं भी वह स्टडी आपकी जारी रखे। जिस तरह साढ़े स्कूलों के पहले ही ई कंटेंट आ जोड़ा आया हो सारे स्कूलों समार्ट क्लासरूम तकरीबन बने हुए हैं, उहदे राहीं एक ई लाइब्रेरी तुहानूं पता भी स्कूलों के सारे च हैगी आ, जे बच्चा चाहे उस लैब दे विच बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकता, नहीं तो पेन ड्राइव चो लैसन पा के घर भी ले जा सकता, किसी आंढ़ी गुआंढ़ी दे जिन्हां दे वो सिस्टम लग्या होया उहदे उपर बैठ के वेख सकता। सो इस गल्लां नूं देखदे होए हुण जिहड़े रेडियो वाले दुआबा चैनल चले जां टी वी ते पढ़ाई फ्री जारी कीती आ उह इहनां गल्लां नूं मुख रखदे होए कीती आ क्योंकि बच्चों को पैसे इन्ने पेरेंट्स को है नहीं गए। सो असी चाहते हैं भी सारे बच्चों असी पैसे तो बगैर ही फ्री एजुकेशन देने का असी टीचा रखे हुए, ठीक है। ये तो मतलब तुहाडा एक टारगेट है भी बच्चे जिहड़े आ वो लगभग 0 कॉस्ट से भी ऑनलाइन स्टडी आपकी जारी रख कर सकते हैं। अमन जी मैं जितों तक समझदा सुखबीर जी की गल नाल सहमत है तो थोड़ा जिहा तो डिफर भी करदा कि जिहड़ा माध्यम है तुहानू कोई ना कोई माध्यम चूज़ करना ही पवेगा, चाहे वह पेन ड्राइव के रूप में हो जाए, चाहे टीवी के रूप में हो जाए, चाहे वह इंटरनेट के रूप में हो जाए, थोनू जो मीडियम है या मोड कह लो उसके तो थोनू खर्च करना ही पवेगा, वो चाहे पेरेंट्स करन या उन्होंने सरकार दे, ठीक है। उन्होंने आपां मिनिमम किवें करना उहदे ते आपां कम कर रहे हां आपां कम कर सकते हैं, पर जे आपां कह दईए भी क्योंकि जिहड़ा असीं एक मोड देखते हैं टीवी वह वन वे है, जिहड़ी तुहाडे कोल जो तुसीं कोई माध्यम यूज़ करोगे तो माध्यम दे विच टू वे एजुकेशन हो जाती है क्योंकि बच्चे टीचर नाल इंटरैक्ट करते हैं, जो असीं पेन ड्राइव या टीवी दे विच यूज़ करते हैं तो वह सिर्फ बच्चे देख सकते हैं अपने आप नूं रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या वो यही नहीं कह सकते मैनूं ये चीज़ समझ नहीं लगी, तो कोई कमियां हर सिस्टम दे विच हुंदियां ते मैनूं लगता भी जिस हिसाब नाल संसार हुण लग्या होया तो ये कमियां भी आने वाले समय से दूर हो जाणगियां। संजीव जी एक तुहानूं मैं करना क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन स्टडी दे कोई ना कोई आप कही फायदे है तो ये नुकसान भी है, दोनों चीज़ों बारे तुसी थोड़ा जा सानू दसो कि की हो सकता इन्हें फायदे। बिल्कुल जी, जदों थोड़ा अपना बच्चा किसी पोर्टल पर जुड़ता है इंटरनेट दे विच तां साइबर सिक्योरिटी सब तो बड़ा विषय है। असी जदों ऑनलाइन स्टडी करवाने हैं जां जिन्हां नूं करवाने देखते हैं तो उहदा एक बहुत वड्डा कंसर्न रहिंदा साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि थोड़े बच्चे भोले है ते बच्चों उस तो बचाना भी साड़ा एक फर्ज है, तो एक विषय है। इस करके ऑनलाइन स्टडी नू
हमेशा यह कहा जाता है कि पेरेंट्स की गाइडेंस दे विच होनी चाहिए। बिल्कुल भी बच्चों पर चैक रखा जाना चाहिए भी, क्योंकि जो नैट का वर्ड है बड़ा वाइड है, इस दे फायदे भी बहुत है, इस दे नुकसान भी बहुत है। ठीक है, तो जे तुसी इहदे नुकसान नूं घट करना है तो पेरेंट्स नूं इस वल ध्यान जरूर देना पवेगा। हाँ, जे पेरेंट की गाइडेंस दे विच हुंदा तां फिर इस तो वधिया मेरे ख्याल हजे तक तो कोई मीडियम बनया नहीं गा, पर होना ही गाइडेंस दे विच चाहिए। तो बच्चों नूं भी इस तो अवेयर करना चाहिए, जिवें बहुत सारिया संस्थावां कर भी रही हैं भी तुसी इंटरनेट पर जदों जाने हो तो तुसी अपना किहड़ा किहड़ा डाटा उस साइट नूं या उस पोर्टल नूं नहीं देना, तो वह भी एक विशा है इस दे विच। ठीक है, प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ेगा, तो बच्चों के एक क्लिक से पता नहीं वैबसाइट से साड़ी की खुल सकता है, गल का ख्याल रखना पड़ेगा। एक सुखबीर जी तुहानू सवाल है भी जिहड़े तुसीं देख रहे हो सेकेंडरी स्कूलों बठिंडे के सारे नूं, तो इहदे विच तुसीं पेरेंट्स नाल बहिंदे आ, क्योंकि सिंगल अपने सिंगला जी ने कहा कि पेरेंट्स नाल बहना जरूरी है क्योंकि बारहवीं तक स्टडी नूं तुसीं डील करदे हो सारी नूं, पेरेंट्स नाल बहिंदे आ तुसीं दस सकदे हो सानूं? जिस तरह आप पहला भी गल की बी एजुकेशन है जी, आम तौर पर हम असं ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जा टीवी टीवी पर भी आ रहे, रेडियो पर भी आ रहे प्रोग्राम, सो मोबाइल वाली गल इन्होंने की है जी, इंटरनेट बच्चे यूज़ करते हैं। पहली तो समस्या एक ये आ रही है बी पेरेंट्स के कोल मोबाइल एक पर बच्चे तीन पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तीन पढ़ रहे तो कम भी तिना बच्चों का अध्यापकों वालों दिता जा रहा है। हाँ, वो समस्या ये खड़ी हो जाती है, पेरेंट्स कहते मैं फोन करना है, बच्चा दूजा कहता जी मैं पढ़ना है, जिहड़ा अगली क्लास वाला वो कहता मैं पढ़ना है, ये बड़ी बड़ी समस्या हैगी है। सो पेरेंट्स साडा तो पहले ही आख्या होया भी बच्चे की माता है जी, जदों बच्चा मोबाइल लैके बैठता तुसी कोल जरूर बैठना। बिल्कुल, सो वेखना है भी बच्चा की कर रहा है, किहड़ा काम नोट कर रहा है, किहड़ा नहीं कर रहा, जिहड़ा काम टीचर ने दिता कि वह सही ढंग नाल उहनूं अपनी कॉपी पर कर रहा है, जां जिहड़े टेस्ट दिते आ उन्हां नूं हल कर रहा है। सो मैं तो यही चाहना भी जदों भी नैट चाहे अपने बच्चे भी घर करते हो, मैं वैसे देखता हूं आपां नूं पता लग जाता है भी बच्चा की देख रहा है, कुकीज़ नूं खोल के देखो, नैट जिहड़ा भी आपां नैट चलाया उन्हें कंप्यूटर चलाया आपां जे बाद च देखते हैं खोल के सारा पता चलता, असीं चलाने साडा बच्चे नूं पता चलता भी मेरे डैडी ने की देखा। सो इस करके आपां नूं बच्चों पर अज की घड़ी पूरी नज़र रखनी। इसे मैं सुखबीर की गल ऐड करना चाहना, जे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो रेडियो ते टीवी मैनू कुछ ज़्यादा सेफ लगते हैं, जे आप प्राइवेसी ही चैक करनी है, पर उहदी एक उहदा एक ड्रॉबैक यह आ जाता भी वह फिर वन वे मीडियम हो जाता, जे नैट सानू कुछ पॉजिटिव दिंदा तो कुछ नाल नाल नैगेटिव भी दे जाता, तो ये सानू सोच समझ के ही सारे मीडियम वरतने पैणगे या ख्याल रखना पवेगा पेरेंट्स की गाइडेंस दे। ठीक है संजीव जी, बिल्कुल तुसीं सही कहा कि पेरेंट्स नू बिल्कुल नाल वो देखना चाहिए उन्होंने कि वो की बच्चे उत्थे खोल के देख रहे हैं जां किवें पढ़ रहे हैं। एक सिंगला जी तुहानू सवाल है ये कि जिहड़ी मतलब भी अध्यापकां दा इहदे विच की रोल है, आपां पेरेंट्स की गल कर ली बच्चों की गल कर रहे हैं, अध्यापकों का इहदे बारे तुसीं की रोल दसोगे? अमन जी, जितों तक अध्यापक है ऑनलाइन स्टडी का धुरा ही अध्यापक है, क्यों कंटेंट बनाना, बच्चों तक उस कंटेंट नूं पहुँचाना, बच्चों की साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखना तो उन्होंने समझना, यह सारा कुछ अध्यापक ते ही निर्भर करता है। वो अपने कंटेंट नूं कितना वधिया तरीके नाल ऑनलाइन प्रजेंट कर सकता है। ठीक, सरकार एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने बच्चे दे सकता है, जिहड़ा कंटेंट है वो अध्यापक की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि कंटेंट कोई भी नहीं दे सकता, तुसीं उस पोर्टल पर जाके मीडियम पर जाके की दे रहे हो वो अध्यापक की ही जिम्मेवारी है, तो अध्यापक नूं ही ये सीखना पवेगा। इस करके मैं कहना हुंदा भी स्मार्ट टीवी नहीं, हुण सानूं स्मार्ट अध्यापक चाहिए जिहड़े इन्हां चीज़ां नूं एग्जीक्यूट। ठीक है, ठीक है, मतलब अध्यापक भी आपां नूं वक्खरे तौर पर एक उन्हां नूं सीखना पवेगा कुछ ना कुछ नवं। सुखबीर जी तुसीं दसो कि तुसीं जिले दे विच अध्यापकां दा इहदे विच की रोल है ऑनलाइन स्टडी दे विच? साढ़े ये काम लॉकडाउन तो बाद साढ़े मानयोग सिक्ख्या सकत्र जी ने पहले ही हदायतां जारी कीतियां सी भी जो ये लॉकडाउन चल रहा इहदा कोई पता नहीं किन्नी देर चलना है, तो हजे भी नहीं आपां नूं पता है किन्नी देर चलना। सो इहदे संबंध दे विच ऑनलाइन एजुकेशन असीं एक पहला तो जूम ऐप राही साढ़े सिक्ख्या सकत्र साहब साढ़े नाल मीटिंगां करदे आ, इस तरह ही असीं सारे प्रिंसीपल साहिबान नाल करन लग गए, साढ़े अध्यापक साढ़े बच्चों नाल करन लग गए, पर गल फिर उत्थे ही आ जाती है भी ये बच्चों को सारे को एंड्रॉयड फोन नहीं है। सो इस तो बाद फिर वट्सएप ग्रुपां दे विच साढ़े अध्यापक मान लो बोर्ड के उपर स्कूल जाके कोई क्वेश्चन हल करते वीडियो बनाते बच्चों पाते बच्चे देखते दे चंगी गल आ, फिर नहीं तो टैक्सट मैसेज राही भी दे रहे
ਇਕੱਲੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਵੀ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ TV 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਰ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।